मांगते थे अंडर कनाडा हाउसिंग बेनिफिट उनको आ, मिल सकते हैं बेनिफिट्स वन टाइम आपको जो वो मिलना था एलिजिबल जो आ, लोग थे उनको 500 लेकिन उसके लिए 500 डॉलर्स डॉलर लेकिन उसके लिए शर्तें हैं आज शर्तें जो हैं गवर्नमेंट ने जो अनाउंस की हैं उन्होंने कहा जी कि हमने 475 मिलियन जो था एलिजिबल जो थे रेंटर्स उनके लिए लिखा था लेकिन ये जो लो इनकम में आते हैं जिनकी के फैमिली की जो सारी इनकम है साल की थर्टी फाइव थाउजेंड और इंडिविजुअल्स की जो है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड है, है। देखकर वो कहते हैं जी उसके लिए शर्त यह ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आपने अपना इनकम टैक्स भरा होना चाहिए must और हाँ मस्ट है फिफ्टीन ईयर्स hmm. का एटलीस्ट आपका जो है एज होनी चाहिए एज ऑफ डिसंबर फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू आप जो हैं आपने कैनेडा में आपको रहना चाहिए फॉर टैक्स पर्पजेज इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू और आपको जो है बताना पड़ेगा कि आपने जो रेंट दिया था ट्वेंटी ट्वेंटी टू में वो आपकी अपने खुद

दे ओ मोर टू देयर इनकम जो कि ये राइज कर गई थी क्वार्टर थ्री में जाहिर है कि उसकी वजह आपको पता ही है एम्प्लॉयमेंट्स नहीं हैं और जो है वो <coughs> और मॉडगेज रेट्स ऊपर चले गया वो कहते हैं जी हाउस होल्ड क्रेडिट मार्केट जो है वर्सेज हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम इज अप हंड्रेड एंड एटी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट कंपेयर टू हंड्रेड एंड एट्टी टू पॉइंट सिक्स परसेंट इन सेकेंड क्वार्टर और uh, इसके अलावा वो कहते हैं जी वन पॉइंट एट थ्री डॉलर जो है वो क्रेडिट मार्केट डेट है आपका फॉर एवरी डॉलर ऑफ हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम तो आप अगर डॉलर कमा रहे हैं तो, तो 1.83 आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है जी और वो कहते हैं जी कि जाहिर है कि इसके अंदर जो चीजें देखी गई हैं वो यही है कि जी 2.07 ट्रिलियन जो है वो डेट जो है वो बढ़ गया है नॉन मॉडगेज लोन जो है वो सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर को टच कर रहे हैं और इसी तरह जो है चीजें ऊपर जा रही हैं लोग कमा कम रहे हैं और स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं तो ये इस बड़ा मसला है आ, जो है जनाब विंसर सेक्स काउंटी हेल्थ यूनिट जो है उसने कहा है कि स्टूडेंट्स जिनके के इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे 16th मार्च 2023 तक उनको स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और उन्होंने कहा है जी कि के ये केजी से लेके ग्रेड एट तक के 12000 बच्चे हैं जिन्होंने अपने सबमिट नहीं किए हुए हैं रिकॉर्ड्स या के वो ओवरड्यू हैं फॉर 1 और 2 Doses, जो है वैक्सीनेशन की तो वो अगर नहीं करेंगे तो सिक्सटीथ मार्च के बाद नेक्स्ट ईयर से उनको क्लासों में नहीं बैठने दिया जाएगा तो पेरेंट्स प्लीज आंखें खोलें और ये काम करें ऑनटेरियो हेल्थ कोलिशन एक uh, जो नॉन गवर्नमेंट है यानी कि एनजीओ है वो आज तीन इलाकों के अंदर बड़े बड़े जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है फोर्थ गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्योंकि वो कह रहे हैं कि इनकी जो हेल्थ केयर की जो हैंडलिंग है वो बिल्कुल ठीक नहीं है दे आर प्रोटेस्टिंग एट पीटर मंक कार्डियक सेंटर एट फाइव

हॉस्पिटल ताकि ये सारी क्योंकि सर्जरीस जो हैं वो डिले हो रही हैं बच्चे जो हैं उनके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए हैं फिर भी उनको जो है एडमिटिशंस नहीं मिल रहे हैं इमरजेंसी में तो इनके ऊपर आपको ख्याल करने की जरूरत है एक रिपोर्ट आई है जी अर्स्ट एंड यंग रिपोर्ट आई है और इसके मुताबिक बीसी और सस्केचुआन के अंदर जो है ऑटो इंश्योरेंस के लोएस्ट रेट्स हैं और ऑनटेरियो एंड अल्बर्टा के अंदर जो हैं हाईएस्ट रेट्स हैं इसके अंदर उन्होंने कहा है जी कि हमने नाइन प्रोविंसेस के अंदर जो है ये देखा है ऑटो इंश्योरेंस को और उसमें हमने हर तरह के लोगों की जो है वो ली है प्रोफाइल्स लिए हैं वोमेन फोर्टी से लेके जिनकी के 24 इयर्स एक्सपीरियंस थी 18 इयर्स सिंगल मदर्स डिवोर्स सबको मैं हमने लिया है उसमें हमें पता चला है कि हाईएस्ट जो दे रहे हैं वो अल्बर्टा और ऑनटेरियो में ऑनटेरियो में 1,509 डॉलर्स पे कर रहे हैं वो ऑटो इंश्योरेंस अगर उसके पास जो है एक फोर्ड एस्केप एस है 2017 थाउजेंड की अल्बर्टा में जो है उसके बाद यानी कि अल्बर्टा वैसे नंबर वन पे है, फिर ऑनटेरियो आता है अल्बर्टा में सबसे हाइस्ट है वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव डॉलर है और जो बाकी इलाके हैं जैसे कि बीसी के अंदर वो पे कर रहे हैं and and में भी नहीं, के अंदर, में, तो वो कह रहे हैं जी कि ये जो इतनी अन्नी चुकी हुई है ऑनटेरियो में और अल्बर्टा में ये इन ऑटो इंश्योरेंस को भी कम करने की जरूरत है अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जी और इसके मुताबिक जो बेल्जियन जज है एक उसने चार लोगों को मनी uh, लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर जो है वो अब चार्ज किया है और उन्होंने इल्ज़ाम डायरेक्टली कतर को दिया है उन्होंने कहा जी कि कतर जो है उसके ऊपर जो है ये सारा कुछ आता है क्योंकि उन्होंने जो है शायद हमें कुछ लोगों को इनको जो छः लोग पकड़े थे जिनके में से चार को चार्ज किया और दो को छोड़ दिया वो कहते हैं जी इनको जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हमने इसलिए पकड़ा है कि हमें पता चला है कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उनको इन लोगों ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगलियां जो हैं वो उठी हैं अच्छा अब जब ये रिपोर्ट आई तो कतर ने कहा जी कि के हम कैटेगोरिकली इस बेसलेस रिपोर्ट को डिनाई करते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है हम इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं और इंटरनेशनल लॉ और रेगुलेशन को जो है वो करते हैं वो कह रहे हैं जी कि ये ग्रेवली मिस इन्फॉर्म्ड है अगेंस्ट द स्टेट ऑफ कतर और हम सिर्फ इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन एंगेजमेंट्स हमारी रहती हैं तो हमारे ऊपर जो है ये इस तरह के इल्जाम देने की ज़रूरत नहीं है तो ये आज बड़े सीरियस फिर से एलिगेशन जो है कतर पे उन्होंने लगाए हैं और कतर ने इसको डिनाई किया है न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक स्टोरी आई है जी और न्यूयॉर्क टाइम्स की ये स्टोरी इस सिनेरियो में है कि एल सेल्वर में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्रैक डाउन कर रही है उसके ऊपर अब वो क्रैकडाउन किसके अगेंस्ट कर रही है वो ये नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सारी दुनिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जी फिर जमा हो गई हैं ह्यूमन राइट्स जो वॉच है वो तक और वो कह रहे हैं जी कि ये <coughs> बहुत ज्यादा जो लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं इनको खत्म करने की जरूरत है, की जा रही है और यह जो है परफेक्ट रेसिपी है against, uh, अच्छा, है फॉर एंड ऑफ ह्यूमन राइट्स अगेंस्ट सिविलियंस अच्छा इसका सिनेरियो क्या न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स कहती है जी इसका सिनेरियो यह है कि कुछ अरसा पहले जिस वक्त गवर्नमेंट आई थी प्रेजिडेंट नायब बुकले की तो उनको बताया गया था कि एल के में जो एंटायर म्यूनसिपैलिटीज हैं उनके अंदर गैंग्स अपना रूल चलाते हैं और गवर्नमेंट की रिट वहां पे नहीं है उसके लिए जो जब ये इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो कर दी और लोगों को जो है रिस्ट्रिक्ट किया और जगह जगह पे लोगों को रोक के बसों को रोक के पैसेंजर्स को उतारा जाता था उनकी चेकिंग की जाती थी और उनको फिर कुछ लोगों को शक की बुनियाद पर पकड़ा जाता था वो कहते हैं जी इतनी ज्यादा लोगों की पकड़ धक्कड़ हुई कि जो है इनकी जेलें भर गई हुई हैं लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि ये जो ब्रूटल एम एस थर्टीन गैंग है जो कि जगह जगह पे इनडिसक्रिमिनेट जाके फायरिंग कर रहा था एल सेलवाडोर में उसको रोकना बहुत जरूरी था अब एक तरफ तो सारी दुनिया की जो जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वो बहुत ज्यादा की गवर्नमेंट है वो उसको कर रही है <coughs> कर रही है इनकी जो म्यूनसिपैलिटी है सैन सेल्वाडोर उसके अंदर ये सब कुछ चल रहा था लेकिन दूसरी तरफ जो क्रिटिक्स हैं वो देख रहे हैं कि गैंग वायलेंस बे कम हो गई है शूटिंग्स नहीं हो रही और होमिसाइड्स जो खास खासतौर पे वो तो बिल्कुल जो हैं तकरीबन ना होने के बराबर हो गए हैं तो मतलब ये है तो इसलिए जो प्रेसिडेंट नायब जो है उसकी गवर्नमेंट वो कहते हैं जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी हमें कहते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं या क्या है हमको सिविलियंस की लाइफ जो है बचानी है और उसके लिए हमने ये गैंग्स के अगेंस्ट क्रैकडाउन किया था और ये करते रहेंगे अब इन्होंने कहा था लास्ट ईयर के जी हम ये जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस कर रहे हैं वो कहते हैं जी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेश्स अभी तक स्टेट ऑफ इमरजेंसी है भाई स्टेट ऑफ इमरजेंसी इसीलिए है ना कि वो गैंग्स रुक नहीं रहे हैं तो बहरहाल अब काफ़ी वहाँ पे क्राइम कंट्रोल्ड है जो जो जर्नलिस्ट है मतलब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी क्राइम्स कंट्रोल्ड है तो काफ़ी कमर यानी तोड़ दी है गैंग्स की गवर्नमेंट के इन चीज़ों ने आज एक बहुत ही खुशी की खबर थी यूएई के लिए क्योंकि जापानीज़ जो स्पेस स्टार्टअप है उन्होंने मून के ऊपर अपना स्पेस एक्स रॉकेट जो है इन हिस्टोरिक फर्स्ट जो है वो भेजा है इससे पहले आपको पता ही है कि अमरीका रशिया और ये जो चाइना थे ये लोग इस तरह की करते थे इनकी जो टोकियो बेस्ड इन स्पेस इन है कंपनी है हकूटो और मिशन इन्होंने जनाब अपना ये जो मिशन किया है मून मिशन किया है इसमें फोर व्हील्ड यूनिट जो है वो यूएई का भी यानी कि यूनाइटेड अरब एमरेट्स जो है वो भी अब स्पेस की रेस में दाखिल हो गए हैं और उनका जो ये फोर व्हील यूनिट था एक्सप्लोरर राशिद यानी कि जो दुबई के रूलर है मोहम्मद बिन राशिद उनके नाम पे है तो एक्सप्लोरर राशिद जो है उसको भी आज वहां से एम वन लैंडर से जो है डिप्लॉय किया गया है यहाँ पे दो रोबोटिक रोवर्स थे टू व्हील्ड ऑरेंज कलर का इनका रंग था और ये जापान के जो जैक्सा स्पेस एजेंसी है इससे ये जो है उड़ा है तो इट इज नॉट ओनली हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर जापान जिनकी के अपनी उन्होंने किया है बल्कि ये यूएई के लिए भी एक बड़ा ही हिस्टोरिक मोमेंट है टांग नहीं, नहीं है <coughs> अच्छा जी आज जनाब एक बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई अबू धाबी के अंदर वर्ल्ड पॉलिसी कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पे सऊदी अरेबिया के जो फॉरन मिनिस्टर है प्रिंस फैसल बिन फरहान अल साउद उनसे क्वेश्चन किए जा रहे थे और प्रिंस फैसल से पूछा गया कि भाई रीजन के अंदर आपको क्या खतरे या क्या चीज़ें आपको नजर आती हैं उन्होंने ईरान के ऊपर फिर से निशाने साधते हुए उन्होंने कहा कि यूएस इरेनियन टॉक्स जो हैं टू सैल्वेज टू हंड्रेड न्यूक्लियर पैक्ट वो तो जारी हैं लेकिन इसके साथ साथ जो आई का जो अभी बड़ा कंसर्न आया और यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर चीफ का भी बड़ा कंसर्न आया है कि तेहरान अब अपनी एनरिचमेंट कैपेसिटी बढ़ा रहा है क्योंकि ये डील किसी तरफ भी नहीं जा रही है तो हमको लग रहा है हम बड़े स्केप्टिकल हैं कि यह डील आगे कैसे चलेगी और ये हमको लग रहा है कि रीजन के अंदर बहुत बड़ा खतरा है किंग प्रिंस फैसल ने आज फिर से कहा कि हम सपोर्ट तो करते हैं कि इस पैक्ट को रिवाइव किया जाए और हमने किया भी था लेकिन उसका मतलब यह था कि दिस शुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट टू रिस्ट्रिक्ट ईरान न्यूक्लियर केपेबिलिटी इट शुड नॉट बी टेकन एज एंड पॉइंट और अगर हमारे ऊपर हमको को कोई खतरा महसूस हुआ तो फिर हम उसके लिए प्रॉपर मेजर्स अपनी सिक्योरिटी के लिए लेंगे तो ये आज बड़ी गर्मा गर्म बहस वहां पे जारी रही अरब न्यूज़ की आज एक न्यूज़ आई है जी और अरब न्यूज की इस न्यूज के मुताबिक ढाका के अंदर मैसिव बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका मैसिव उसके अंदर जो है वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उसकी वजह यह है कि जो वहां पर कोलिशन पार्टीज हैं यानी कि वो चाहती हैं कि रूलिंग अवामी पार्टी जो है उसको पावर से निकाला जाए और जो प्राइम मिनिस्टर हसीना शेख हसीना है वो अपना रेजिग्नेशन दें इस सिलसिले में जब ये मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर जो है वो फायरिंग की उसके अंदर एक आदमी की डेथ हुई और कहा जा रहा है जी कि इसके अलावा सैकड़ों ही जो एक्टिविस्ट हैं उनको पकड़ा गया है ये ये इनका इनका जो कोल्यूशन जो है उनका जो मुतालबा है ऑपोजिशन का वो कह रहे हैं कि हमारे टेन डिमांड्स हैं जिसमें कि डेमोक्रेसी को रेस्टोर किया जाएगा लेकिन उसके अंदर रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट और फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल केयर टेकर कैबिनेट है और उसके अंदर जो है गवर्नमेंट के रेजिग्नेशन आएंगे जब तक नहीं जाएंगे हम अपने प्रोटेस्ट जो है इसी तरह जारी रखेंगे इसीलिए जो है आज बांग्लादेश नेशनल पार्टी के बेशुमार लीडर्स जो है उनको कहा गया था कि इनको छोड़ दें उनको ना सिर्फ ये कि छोड़ा नहीं गया बल्कि और भी उनके बहुत सारे मेंबर्स जो हैं उनको पकड़ के जेल में डाला है गवर्नमेंट ने हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो थे वो किए थे इंतज़ाम किए थे हाईवेज़ में जो रोक दी थी बसों के रूट रोक दिए थे डाइवर्ट किया था लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है काफ़ी ये चलता रहा काबुल के अंदर जी जो है वहाँ पे उनका बड़ा ही मशहूर होटल है लोगन होटल वहाँ पे आज फायरिंग हुई और उसके अंदर ज़्यादातर कहते हैं कि चाइनीज जो है वो आके ठहरते हैं तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने फ़ौरन इसके ऊपर काम करते हुए जो तीनों अटैकर्स थे उनको मार गिराया जो फॉरेन मिनिस्ट्री अफगानिस्तान की वो कहती है कि इसमें जो है कुछ इंजरीज हैं लेकिन डेथ्स कोई नहीं हुई हैं लेकिन काबुल के अंदर जो इटालियन एक एनजीओ अपना इमरजेंसी हॉस्पिटल चला रही है वो कह रही है कि ये ठीक नहीं है 21 वन उन्होंने कही हैं और 18 इंजर्ड हैं और वो कहते हैं जी कि तीन लोग जो थे डेड ऑन अराइवल थे तो मतलब गवर्नमेंट का वर्जन और है और है है ये जो इटालियन इसका वर्जन और है तो काफी वहां पर आज अफरा तफरी रही हिंदू की आज एक रिपोर्ट है जी और फिर पीटीआई जो है यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उसने भी इसके अंदर कुछ ऐड किया था उसके मुताबिक जो है ये मेन स्ट्रीम में तो नहीं आया लेकिन ये इन दोनों ने इसको कॉपी किया है कि इंडियन और चाइनीज़ फोर्सेस जो हैं उनकी फिर से आमना सामना हुआ अरुणाचल के यंगस्टी के इलाके में तवांग में जो एलएसी जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर है और इनके बीच में वैसे तो न, आ, इंडियन जो ये न्यूज़पेपर है द हिंदू उसका कहना है कि जो इंजरीज़ हैं वो दोनों तरफ हैं और उस वक्त जो है तकरीबन 600 के करीब चाइनीज़ ट्रुप्स वहाँ पे मौजूद थे और चाइनीज़ साइड पे ज़्यादा हैं चाइनीज़ साइट कहती है कि ज़्यादा इंजरीज़ जो हैं वो इंडियन साइड पे है ये इनकी पहला क्लैश है आफ्टर जून 15, 2020 जबकि हमने आपको बताया था कि गैलवान वैली में दोनों का ईस्ट लद्दाख में जब लड़ाई हुई थी जिसके के अंदर 20 इंडियन सोल्जर्स जो थे उनकी डेथ हुई थी बहुत सारे जख्मी हुए थे और उसके बाद जरा थोड़ा काम था लेकिन अब चीज़ें जो हैं फिर से एक दफा भड़क गई हैं वहाँ पे एन राम है फॉर्मर एडिटर इन चीफ और पब्लिशर हैं द हिंदू के Uh, अब वो जो हैं वो एडिटर इन चीफ नहीं है लेकिन थे कभी लेकिन अभी भी पब्लिश करते हैं उनकी आज एक टॉक हुई है जो द वायर के एडिटर इन चीफ है करण थापर साहब उनसे और उसके ऊपर उन्होंने उनसे पूछा कि भई ये जो एन को ले लिया है आदानी ग्रुप ने इसके बारे में आपका कहना है उसके बारे में उनको कह, उनका कहना था कि ये बड़ा ही हॉस्टाइल टेक ओवर है और इसके ऊपर उन्होंने बात करते हुए एन ना, राम साहब ने कहा कि एनडीटीवी को आज तक फेयर रिपोर्टिंग जो है

फाइनेंशियल टाइम्स और अल जज़ीरा के स्टैचर पे लेके जाऊंगा तो ये आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपकी डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट जो है इट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स बायस बायस टुवर्ड्स बीजेपी क्योंकि दुनिया की कोई गवर्नमेंट भी एवरी सिंगल डे राइट थिंग नहीं कर सकती है तो इसलिए एज अ रिजल्ट आप एनडीटीवी की रेपुटेशन को आपको लोग चैलेंज करेंगे आप उसकी रेप्यूटेशन को खराब करेंगे और आप फिर चाहे जितना मर्जी आपके पास पैसा हो और आप लगा भी लें आप व्यूअर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो ये आज उनका बड़ा क्रिटिकल साहब के साथ इंटरव्यू था आप देख भी सकते हैं सुन सकते हैं आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं जी आज वो बड़े गुस्से में थे क्योंकि आपको पता ही है अफगान बॉर्डर के ऊपर चमन पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके अंदर जो है पाकिस्तानी छः सिविलियंस की डेथ हुई है और सेवनटीन जो हैं वो इंजर हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अफगान जो गवर्नमेंट है उसको ख्याल करना चाहिए कि इस तरह के वाकियात ना होए पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने भी इसको बड़ा कंडेम किया उन्होंने कहा कि ब्रदरली टाइज जो हैं इस तरह से नहीं चल सकते हैं अगर इस तरह की इनडिस्क्रमिनेट और अनप्रोवोक्ड फायरिंग चलती रहेगी तो जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा देना जो है आपका बनता है इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद में और उन्होंने कहा जी कि हम इस वक्त बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं उन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने कहा वो हमें ऐसे मौके पर छोड़ के गए थे जहाँ पर हमारी जो है डील अब आई से नहीं हो सकती क्योंकि वो हम पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं और अब ये जो मैंने अपनी गवर्नमेंट को बदनाम कर लिया और लोगों के ऊपर बर्डन डाल दिया ऑयल की प्राइस बढ़ा के लेकिन मैं इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता था और जो पुरानी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स कर रही थी पेट्रोल की प्राइसेस कम रख रही थी और मुल्क को नुकसान पहुंचा रही थी इसके अलावा उन्होंने कहा जी 70 बिलियन रुपीस हमने फ्लड हिट फैमिलीज के अंदर अंडर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डिस्पर्स किए हैं और इसके अलावा बिलियंस हम जो हैं <clears throat> वो खर्च कर रहे हैं फूड टेंट्स और मॉस्किटो नेट्स को बाय करने के लिए इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के अंदर रिकोडिक का जो मामला था जो जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़ा चल रहा था कनेडियन कंपनी थी ब, ब, जो थी और चिले की कंपनी थी और थी उन सब के बीच में आउट ऑफ कोर्ट जो है अब सेटलमेंट हो गई है इसके मुताबिक जो है अब एक स्ट्रोक अकाउंट बनाया जाएगा और वहां पे 500 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो रखे जाएंगे और ये जो जॉइंट वेंचर है इसके अंदर अब शेयर्स भी जो है वो बांट लिए गए हैं कि कौन कितने शेयर किसी के होंगे तो इसलिए अब ये प्रोजेक्ट जो है ये किया जा सकेगा चलाया जा सकेगा इट वाज अ मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट जो के हॉल्ट में था एशियन डेवेलपमेंट बैंक ने आज पाकिस्तान को 554 मिलियन डॉलर्स और दिए हैं ताकि उसकी वो जो हिट हुई थी, थी फ्लड्स की वजह से इकोनमी और बाकी चीजें बलोचिस्तान क, खैबर पख्तूनखा और सिंध के अंदर तो उसके लिए फूड और रेस्पॉस एफर्ट्स और ड्रेनेज और इरीगेशन जो उसको सपोर्ट किया जा सके इसके अलावा जो जो है है मिलियन डॉलर्स का ग्रांट जो है वो अवार्ड दिया गया था वैरायटी इंटरनेशनल वैन एक्टर का अवार्ड वहां पे एक पाकिस्तानी फिल्म मेकर ने इनसे बात करते हुए कहा कि रणवीर कपूर साहब मैं बड़ा चाहता हूं के मैं आपको अपनी फिल्म के अंदर कास्ट करूं तो क्या आप?

तो उनको किया है शाहरुख खान साहब की फिल्म पठान आने वाली है उसका आज एक गाना जो कि मच अवेटेड था बेशरम रंग वो जनाब आज रिलीज किया गया है इसमें इनके साथ जॉन एब्राहम और दीपिका पाडुकोण देखे जाएंगे ये जो है गाना स्पेनिश लिरिक्स से शुरू होता है और इसमें काफ़ी मूड्स चेंज होते हैं दीपिका एक मोनो किनी जंप में आती हैं और उसके अलावा शाहरुख खान पहले तो शर्ट पे आते हैं फिर वाइट शर्ट में एक आते हैं बीच शर्ट में पहले आते हैं फिर वाइट में फिर शर्टलेस हो जाते हैं और फिर ये लोग दोनों डांस फ्लोर पर जाते हैं तो लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं एंड जनाब हम ये तो बता ही चुके हैं इंग्लैंड जो है वो हार चुका है जीत चुका है पाकिस्तान से और इसमें सिर्फ सबसे अच्छी जो थी शौक शकील की जो टॉप इनिंग उन्होंने खेली थी 94 पे और मार्क वुड ने इंग्लैंड की तरफ से फोर विकेट्स ली थी फॉर 65

लोग थैंक यू बोल रहे हैं मुझे थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू आपने फ्रांस को पिक किया है हमारी बहुत मज़ा आएगा अगर फ्रांस को पिक किया शास्त्री जी ने एंड अर्जेंटीना एंड क्रोएशिया को में से शास्त्री ने पिक किया अर्जेंटीना को आ, मेरा ख्याल है कि बड़ी बुरी मार मारेगा कोर्ट अर्जेंटीना <laughs> ने पिक पिकटीना को पिक कर दिया तो वो बड़ी बुरी मार खाएगा कल एनीवे वे anyway, इतना ही टाइम तो हमारे पास शादिया जी थैंक यू सो मच